हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आरबीआई की निकली भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियर पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, सारे सिलेबस, सारी चीज़ों में डिस्कशन करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी आरबीआई की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की भर्ती निकली उसके बारे में बात करते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जो कि उन्होंने देर का शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसके बाद जो है फ्रेंड, आपको मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो उस पर बात करें। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिक्रूटमेंट फॉर आपका जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, जो कि आपके जूनियर इंजीनियर है सिविल और इलेक्ट्रिकल में 48 पोस्ट है। वेरियस आपके ऑफिस रहेंगी, वेरियस पोस्ट रहेंगी, ठीक है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड थ्रू द कंट्री वाइड जोन वाइज कम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होगा। फुल टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट विल बी अवेलेबल द बैंक आपके ऑफिसर की वेबसाइट पर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो ये अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कहीं से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए अभी बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी मिलेगी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एक्सेप्ट ओनली थ्रू द बैंक वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बाद इसकी वेबसाइट पर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट लिंक ओपन एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन 2 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 किस तक रहेगा। डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके जो हो सकते हैं आपको 8 मार्च 2021 के होंगे, ठीक है। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम चलते हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वेबसाइट से वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की 48 पोस्ट होंगी, ठीक है। फेज वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज टू आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू 8 मार्च है 2 फरवरी, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एज लिमिट की बात करें, कैंडिडेट हैव अटेंड 20, आपकी एज रहेगी, मस्ट हैव नॉट अटेंड द एज 30, ठीक है, जो आपके आ रही है जो 1 जनवरी 2021 के अनुसार होगा, ठीक है। इसकी ऑफिशियल जानकारी मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना दूंगा ऑफिशियल। तो यहाँ पे आपको एज 30 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे 1 जनवरी 2021 के आपका जो आपके एज का क्राइटेरिया दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है, बता रखा है 2 जनवरी 1991 से उसके आप यहाँ पे दे 2000 के बीच के आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट की मैंने आपको जानकारी, इलेक्शन यहाँ पे आपको दे रखा 5 साल का रहेगा SC ST 35, 3 साल OBC, ठीक है। आप फिजिकल डिसेबल के 10 साल, जनरल के लिए OBC के 13 और SC ST कैटेगरी के लिए 15 साल रहेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा, बाकी आप जानकारी यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड, पे स्किल की बात करें तो यहाँ पे आपको पे स्किल देखने मिल जाएगा। स्टार्टिंग आपकी रहेगी 21,000, ठीक है। बाकी आपको इंक्रीमेंट की जानकारी यहाँ पे दे रखी है, ठीक। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की देखिए, जूनियर सिविल की आपकी मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या आपके यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, विद आपका मिनिमम होना चाहिए 65% मार्क, ठीक है। यहाँ पे 55% मार्क रहेंगे फिजिकली डिसेबल SC ST कैंडिडेट के लिए। डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क होने चाहिए आपके, दे सकते हैं आपके जो कि 45 आपके जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी जनरल के लिए 45 रखे गए हैं SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जो कि इंजीनियर की यहाँ पे हमने बात करी डिप्लोमा की, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखते सेम मिनिमम 3 साल का रहेगा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम इसी तरीके से जो कि आपके 65% हो रही है 55% SC ST कैंडिडेट के लिए जो कि डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है वो जो कि इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर कॉलेज से कर रखा है 55% उनके UR कैटेगरी में और जनरल और SC ST कैटेगरी में और फिजिकल डिसेबल है 45 यहाँ पे दे रखा है। एक्सपेंस की यहाँ पे आप बात करें, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर के लिए, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस जो कि डिग्री होल्डर के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए सेम रखा गया है। बाकी आप दे सकते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी, CCTV फायर प्लान आ रहा है जूनियर। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें, ₹50 रहेगी SC ST PWD की एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। 450 रुपये फॉर OBC जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। एग्जाम फी इंटीमेटेड चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, आपका फेस ऑनलाइन एग्जाम, फेस टू ऑनलाइन एग्जाम, फेस के इंटरव्यू होंगे, ठीक है। बाकी डिटेल जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा देख लेते। तो फ्रेंड, फेज वन ऑफ RBI जूनियर इंजीनियर एग्जाम की बात करें, फेज वन जो रहेगा आपको कुछ दे सकते हैं, एग्जाम पेटर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यहाँ पे फॉर्मल आपका MCQ टाइप के रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क भी आपके 200 रहेंगे, 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे फ्रेंड, एग्जाम सिलेबस यहाँ पे दे सकते हैं, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज जो कि फेज वन का है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। फेज टू आप देख सकते हैं RBI जूनियर एग्जाम के, यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, नेम ऑफ पेपर, टाइप ऑफ पेपर, आपका जो टाइम जो रहेगा, मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेपर वन इकोनॉमिक एंड सोशल इशू 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 50% डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें आपको लिखना होगा आंसर टू बी टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, 30 से 90 आपको टोटल होगा, ठीक 120, ठीक है यहाँ पे आपको दे रहेगा, 50-50 आपके रहेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे समय दे रहेगा, 100 आपका रहेगा। पेपर इंग्लिश का यहाँ पे जो कि रेटिंग स्किल और डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपका लिखना होगा पूरा आंसर टाइप आप तो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, 90 मिनट का आपको समय दिया, 100 नंबर होंगे। पेपर आपका 3 दे सकते हैं, आपका इसी में है हमारे फेज 2 में, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 50% डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें आपको लिखना होगा 30 मिनट इसका और 90 मिनट आपके लिखने के, तो 120 मिनट हो जाएंगे टोटल आपके, 50-50 का रहेगा, मार्क्स 100 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम सिलेबस की यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का यहाँ पे आ रहा है, उसको आप देख सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपके हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, मैंने रोक रखा है आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद हमारे इंग्लिश राइटिंग स्किल है, तो द पेपर ऑन इंग्लिश यहाँ पे देखिए, शैल बी फ्रेंड इन मैनर एसेस राइटिंग स्किल आपका, इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन अंडरस्टैंडिंग दट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट है, जनरल टॉपिक है, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जनरल टॉपिक हम देख लेते हैं, जनरल टॉपिक में आपको यहाँ पे दे सकते हैं आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग बेसिक डेरिवेटिव, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, इन सब के बारे में यहाँ देख सकते हैं, मैनेजमेंट क्या आ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट का है आपको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते एथिक एंड वर्क प्लेस, आपका कोऑपरेटिव गवर्नेंस क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं इसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इसकी पूरी जानकारी है। इंटरव्यू, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू दे सकते हैं, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क ऑफ 10 फेज 2, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, 3, मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क बींग शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड। ठीक है, जो कि बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके कॉल लेटर आपको आएगा सेंट रजिस्ट्रेशन मेल आईडी पर, यहाँ पे इंटरव्यू के आपके 75 मार्क रहेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जैसे ही देखिए जारी होगा पूरी जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वो मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से पूरी जानकारी शेयर करूंगा। फ्रेंड, अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहे। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।